हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है, क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान। विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन चालक है? इसमें आपको पहचानना है कि कौन चालक है। ए ऑप्शन है चीनी मिट्टी, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो एल्यूमिनियम होता है वो चालक पदार्थ होता है, और यहाँ पे देखिए चीनी मिट्टी, अभ्रक और कांच, ये क्या है? कुचालक पदार्थ है। कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए दो नंबर प्रश्न है, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहता है? ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता, डी ऑप्शन है तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहता है। तो उत्पादक वाले स्तर पर रहता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्पादक किसे कहते हैं? तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए तीन नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है ब्रोमीन, डी ऑप्शन है पारा। तो वो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा धातु, यहाँ पे अधातु पूछा है तो अधातु नहीं, यहाँ पे पूछता है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जो पारा धातु होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर धातु पूछे तो पारा होगा, अगर अधातु पूछे तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा। तो दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो दोनों ही प्रश्न आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए चार नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, ए ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध उसे कहते हैं जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए पांच नंबर प्रश्न है, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। ए ऑप्शन है एयर कंडीशनरों में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है जेट इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सीएफसी क्या होता है? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है? तो एयर कंडीशनरों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, जेट इंजनों में होता है, यानी इनमें से सभी में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पे देखिए छह नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? ए ऑप्शन है शुष्क वायु, बी ऑप्शन है आर्द्र वायु, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे बताना है आपको कि किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। तो आर्द्र वायु जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, लोहे में जंग लगता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आर्द्र वायु का मतलब क्या होता है, नमी युक्त वायु जब लोहे के संपर्क में आता है तो लोहे में क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए सात नंबर प्रश्न है, किसी चालक
से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, बी ऑप्शन है प्रोटॉन का प्रवाह होता है, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन के प्रवाह होता है, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे यहाँ पे धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जलमंडल, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है स्थल मंडल, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, तो यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है खनिज, बी ऑप्शन है लौह, सी ऑप्शन है गैंग, डी ऑप्शन है धातुमल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य का मतलब क्या होता है, अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 10 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ए ऑप्शन है आवेश का, बी ऑप्शन है धारा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है ऊर्जा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 11 नंबर प्रश्न है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है उपभोक्ता, बी ऑप्शन है उत्पादक, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है, किसका मान न्यूनतम पीएच मान होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि किसका न्यूनतम पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है दूध का, बी ऑप्शन है लार का, सी ऑप्शन है खून का, डी ऑप्शन है अमाशय रस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका न्यूनतम पीएच मान होता है, तो जो अमाशय रस होता है इसका न्यूनतम पीएच मान होता है कितना होता है, तो 1 से लेके 3 के बीच में इसका पीएच मान होता है। खून का पीएच मान कितना होता है, तो खून का पीएच मान यहाँ पे 7.4 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। शुद्ध दूध का यहाँ पे पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, इसे भी आपको याद रखना है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है, तो इसका भी पीएच मान यहाँ पे याद रखना है। तो किसका न्यूनतम पीएच मान होता है, तो जो अमाशय रस होता है उसका पीएच मान कितने से कितने के बीच में होता है, तो 1 से 3 के बीच में होता है, यानी इसी का सबसे न्यूनतम पीएच मान होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक, बी ऑप्शन है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम, सी ऑप्शन है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम, डी ऑप्शन है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक क्या होता है, कम होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज तार होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सभी जीवों के अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है? ए ऑप्शन है लिंग गुण सूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सभी जीवों में अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो जीन करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है, अष्टक नियम किसने दिया? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है डाल्टन,
बी ऑप्शन है न्यूलैंड, सी ऑप्शन है मोसले, डी ऑप्शन है मेंडल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया, तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हम लोग अभी पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, वो किसने दिया, तो वो मोसले ने दिया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। तो इसे भी आप लोग क्या रखिएगा, साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्या होता है। ए ऑप्शन है 0 और 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 0 और 250 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होता है। तो निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि वैसा अंग जो देखने में अलग अलग हो पर कार्य एक जैसा करते हैं, उन अंगों को कहते हैं। ए ऑप्शन है असमजात अंग, बी ऑप्शन है समजात अंग, सी ऑप्शन है अवशेषी अंग, डी ऑप्शन है लुप्त अंग। 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वैसा अंग जो देखने में अलग अलग हो पर कार्य एक जैसा करता है, तो उस अंग को क्या कहते हैं, असमजात अंग या स्मृति अंग कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है, अंगूर का किण्वन करना एक, ए ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर का किण्वन करना एक कैसा परिवर्तन है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष में, बी ऑप्शन है समंजन क्षमता में, सी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, डी ऑप्शन है अबिंदुकता में। तो किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष में देता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, इसे आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे, तो ऑस्ट्रिया के एक ईसाई मठ में ये क्या थे, पादरी थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को ही कहा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो गाड़ियों का बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है पीतल का, डी ऑप्शन है कोबाल्ट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नर युग्मक कौन कहलाते हैं, तो जो शुक्राणु होता है वो नर युग्मक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु। और एक प्रश्न ये भी आता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को जाइगोट कहते हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है लवणीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होता है, अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो फैराडे ने किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 26 नंबर प्रश्न है, पौधों के मादा भाग को कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दलपुंज, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है दल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को कहते हैं, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन और अनुशीथलन दाब होता है। ए ऑप्शन है 120/80, बी ऑप्शन है 80/120, सी ऑप्शन है 80/100, डी ऑप्शन है 72/80। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन और अनुशीथलन दाब होता है कितना होता है, तो 120/80 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें एक एक करके पूछ लेता है कि स्वस्थ मनुष्य का प्रंकुचन कितना होता है, तो प्रंकुचन कितना होता है, 120 होता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछ लेता है कि स्वस्थ मनुष्य का अनुशीथलन दाब कितना होता है, तो 80 होता है, तो इसे भी अलग अलग भी आपको याद रखना है और साथ में भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है तापक, बी ऑप्शन है ईंधन, सी ऑप्शन है इंजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ईंधन कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, रक्त है। ए ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है वास्तविक संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन है कंकाल ऊतक, डी ऑप्शन है एडिपोज ऊतक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बोल रहा है प्रश्न की दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नाभिकीय विखंडन क्या होगा कि इसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण करेगा, उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो अगर आप बीच में जुड़े हैं तो आप लोग वीडियो शुरू हो करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा,
और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दो दिन से वीडियो इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको पहले हम ठीक करवाए हैं, फिर यहाँ पे ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्लास ले रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।